प्रभाव भी न पड़े। जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत कोराबाड़ थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त ओम प्रकाश पांडे की लगभग 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। जब्ती के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम ने मुनादी भी कराया। धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त ओम प्रकाश पांडे पुत्र स्वर्गीय राजकिशोर पांडे निवासी मोहद्दीपुर चार फाटक थाना कैंट जनपद गोरखपुर, जिनका स्थायी पता है ग्राम रुइया बंगला थाना जीरादेही जनपद सीवान बिहार, की अवैध अपराध से अर्जित संपत्ति श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय के आदेश के क्रम में कुर्क की गई है तथा उक्त प्रॉपर्टी जिसमें चार दीवारी बनी हुई है में सीलबंदी की गई। सभी को सूचित किया जाता है कि यह संपत्ति अब सरकार के कब्जे में है, जिसका तहसीलदार महोदय सदर को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। इसमें अगर किसी प्रकार का कोई अवैध कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्र अधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, गोरखपुर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कैंट पर अभियुक्त ओम प्रकाश पांडे के विरुद्ध 525/21 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्तीकरण के आदेश हुए थे। इसी क्रम में आज ओम प्रकाश पांडे की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति थाना खोराबार के पुलिस व राजस्व विभाग के साथ मिलकर जब्त किया गया है। ये जो संपत्ति इसकी है, इसमें प्लॉट और इनका मकान